हेलो दोस्तों, आप सभी को बुरा बात का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है फिर से न्यूज जड़ी बूटी वीडियो में। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आप लोग अपनी आंखों को कैसे साफ सुथरी और आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं और अपनी आंखों का मोतियाबिंद कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो मैं जड़ से खत्म करने का उपाय बताऊंगा इस जड़ी बूटी वीडियो। और ये आप पौधा देख रहे हैं तो अच्छे से पहचान कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि पूरी सही तरीके से जानकारी ले सकें। और अगर अंत तक नहीं बनते हैं तो वीडियो को अगर भगा करके देखते हैं तो पूरी सही तरीके से जानकारी किस विधि से इसको इस्तेमाल करना है तो आप फिर वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हमारा कहना यही है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और आपने इसको अच्छी तरह से पहचान लिया होगा। ये मैरीगोल्ड का पेड़ है, मैरीगोल्ड के फूल है, ये गेंदा का भी कहते हैं, गेंदे के फूल भी कहते हैं इसको। और ये 500 प्रकार के गेंदे की प्रजातियां होती हैं, बहुत प्रकार की गेंदे की प्रजातियां होती हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया पौधा है आपका, ये पूजा पाठ, शादी ब्याह, कोई भी आयोजन हो, चाहे सुख हो या दुख हो, हर एक में इसका प्रयोग होता है। और ये जड़ी बूटियों के हिसाब से बहुत बढ़िया रामबाण ये औषधीय काम भी करता है, इसके फूल भी पत्ते भी, क्योंकि यह इसमें पोषक तत्व से भरपूर होता है और एंटी इंफ्लेमेशन, एंटीसेप्टिक और एंटी एक्सीडेंट के प्रभाव पाए जाते हैं, जो शरीर के सूजन को, अगर शरीर में सूजन है तो उसमें बहुत बढ़िया फायदेमंद है। और ये विटामिन भी इसमें बहुत बढ़िया है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, तो ये विटामिन के लिए भी अच्छा स्रोत है। और ये देखने में भी बहुत सुंदर फूल होते हैं, इनके महक भी बहुत तेज होती है। तो इस प्रकार से इसकी महक तेज होने से आपको कोई कीटनाशक का भी ये काम करता है, ये ज़्यादा मच्छर वगैरह इससे नहीं आते हैं पास में। और ये पूजा पाठ, शादी विवाह, कोई भी आयोजन हो, हर एक जगह ये इसके फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसको अपने घर में भी लगाएं, अपने बगीचे में लगाएं, अपने गार्डन में लगाएं, अपने गमले में लगाएं, तो इस तरीके से इसका हर जगह प्रयोग करें। और इसके अब इसमें आँखों में है तो इसके आँखों में कैसे प्रयोग करना है, इसके फूल को आप बांट लीजिए। फूल को बांटने के बाद इसको लुगदी बना लीजिए और लुगदी को बनाने के बाद आप आँखों में रखिए इसको, तो आपको आँखों की कोई भी बीमारी है तो बिल्कुल एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। इस प्रकार का ये पौधा है, ये साधारण पौधा ना मानिए, ये बहुत ही औषधीय फूल होते हैं। और फूलों की अंदर जो बीजी होती है, फूलों के अंदर आप जब ये पत्ते निकाल देंगे फूल के और इसके अंदर देखेंगे तो एक छोटा सा इसमें बीजा निकलेगा, सफ़ेद कलर में होता है। तो आप उसके अगर 10-15 फल खा लेते हैं तो आपके आँखों की रोशनी, अगर आँखों में किसी भी प्रकार की मोतियाबिंद अगर बन रहा है तो वो भी ख़त्म करने की पावर रखती है। तो इस तरीके से इसको जो है आप इसके खा लीजिए। अगर कान में दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का भी कान में दर्द हो रहा है, तो कान के दर्द के लिए आप गेंदे की 4-6 जो है पत्तियाँ तोड़ लीजिए, या मैरीगोल्ड की पत्तियाँ तोड़ लीजिए और इसको आप कानों में इसका रस निकाल करके डालिए, 2-2 बूंद, 1-1 बूंद, 3-3 बूंद, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही कान का दर्द, कान में अगर पस पड़ गया है, मवाद पड़ गया है, तो वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा और कान का दर्द बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर मुंह में छाले हैं, मुंह के छालों के लिए आपका इसका प्रयोग बहुत बढ़िया है। आप इसके पत्तों को तोड़ लीजिए और मुँह में आप डाल करके इसको चबाइए और इसका लार लगाते रहिए जहाँ पे छाले वगैरह हैं। और इसको जो है कसैला होता टाइप का, थोड़ी ये बकबका टाइप का, बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसका पेट में भी रस चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप इसको मुंह में डाल करके इसको थोड़ी देर उतरिए, इसके बाद आप थूक दीजिए। सभी भाई